मुख्यमंत्री ने अपील की है। मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि आप अपनी जान पर खेलकर ऑक्सीजन दवाइयां और बाकी दूसरी व्यवस्थाओं के बारे में दिन रात खबरें दे रहे हैं, उसका लाभ तभी देशवासियों को मिलेगा जब मीडिया लोगों को जागरूक करे कि कोरोना अभी हमसे 4 गुना आगे चल रहा है। विशेषज्ञों का भी ये मानना है, सरकारें चाहे कितना भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लें, खड़ा कर लें, ऑक्सीजन बेड्स बना लें, आईसीयू बेड्स बना लें या फिर वेंटिलेटर की संख्या बढ़ा दें, जब तक कोरोना संक्रमण की चेन नहीं टूटेगी तब तक इसको रोक पाना मुश्किल है। मुख्यमंत्री ने मीडिया सक्षम है ये कहा है। दरअसल मीडिया की सक्षमता क्या है, घर घर तक संदेश दे सकता है लॉकडाउन के दरमियान भी, सेमी लॉकडाउन हो या फिर रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा हो, वीकेंड कर्फ्यू हो या फिर इसी तरीके की ऐसी पाबंदियां, लेकिन क्या इनका महत्व है, किस तरीके से इनको सफल बनाना है, इसमें मीडिया की अपनी एक सहभागिता बहुत प्रबल हो जाती है, बड़ी हो जाती है। बिना जरूरी कामों के घर से बाहर ना निकले, लगातार मीडिया को इस बार अपना साथ देने के लिए मुख्यमंत्री देखिए अपील कर रहे हैं कि मीडिया सबसे ज्यादा लोगों को जागरूक करने में सक्षम है तो ऐसे में करे। और हम लोग लगातार जी राजस्थान, जी मीडिया ग्रुप पूरा लगातार इस बात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि प्लीज जो अपील की जा रही है, जो डॉक्टर्स कहते हैं, जो एक्सपर्ट कहते हैं, संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जो जो कदम उठाए जा सकते हैं वो किया जाए। तो कोरोना के इस काल में जिस तरीके की परिस्थिति दिखाई पड़ रही है उसमें हम चर्चा लगातार करेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं। वहां पर देखिए